गाइस मेरे और अंकल जी में रेस हो रहा है। देखो मैं अंकल जी से आगे निकल गया, देखे मैं जीत गया ना, तो इस बात पे एक लाइक कर देना। भाई साहब मुझे तो लग रहा है नंबर मेरा भी सबसे आखिरी में मेरा नंबर है यार, इतना भीड़ देख के तो मैं कुछ पागल हो रहा हूँ। तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ ये रोड रोलर कैसे स्टार्ट होता है। इससे पहले पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कुछ पता नहीं है। जब तक ये स्टार्ट नहीं होगा गाइस तब तक मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। गाइस अभी के बज रहे 11 और गाइस मुझे ब्लॉग करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन क्या करूँ यार, करना तो पड़ेगा। गाइस डेली ब्लॉगिंग का चैलेंज दिया है। गाइस हुआ कुछ ऐसा है गाइस, 3 से 4 दिन से मेरा दिन इतना ख़राब चल रहा है गाइस, इतना ख़राब चल रहा है मैं बता नहीं सकता। गाइस हुआ कुछ ऐसा है गाइस, कल रात को मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, इंस्टाग्राम वाले ने मेरा डीमोनेटाइज कर दिया, मेरा यूट्यूब मतलब अकाउंट है, क्या मैं बोल रहा हूँ गाइस, इतना दिमाग ख़राब है गाइस, इंस्टाग्राम अकाउंट डीमोनेटाइज कर दिया। और फिलहाल मोनेटाइज कर देगा, लेकिन जब मैं सेटअप कर दूंगा पे आउट वाला तब, लेकिन जब होगा तब ना गाइस, मतलब बताओ इस महीने इतना अच्छा अर्निंग मैं कर रहा था, पता नहीं किसकी नज़र लग गई भाई बताओ। तो फिलहाल अभी मैं घर जा रहा हूँ और खाना खाऊंगा और फिर गौरी बाज़ार जाऊँगा गाइस, सीधा जन सेवा केंद्र पर, और बोलूँगा कि मेरा पैन कार्ड पे देखो ऐसा क्या हो गया यार, मतलब इनएक्टिव है या नहीं है ये पता करना है। वैसे तो मैं चेक किया था, एक्टिव बता रहा था, पता नहीं क्या सीन है। तो सीधा अभी चलते हैं घर और खाना खाते हैं और फिर चलते हैं सीधा गौरी बाज़ार जन सेवा केंद्र पर और वहाँ फिर पता करते हैं गाइस। चलो गाइस सीधा घर चलते हैं। तो चलो गाइस खाना आ गया है और खाना खाते हैं और फिर चलते हैं सीधा गौरी बाजार। मेरे गांव में आज ट्रक आ गया गाइस, ये चेक करो ट्रक आ गया, लेकिन ये आया किस रास्ते, इधर से तो आएगा नहीं और सामने से आएगा नहीं, अगर इधर से ही आया होगा, जिधर से मैं जाऊंगा उधर से ही आया होगा, लेकिन वो तो ठीक है आ गया, लेकिन ये आया क्यों है, शायद सड़क बनेगा गाइस, पता नहीं, मुझे भी कुछ पता नहीं है। इतना भीड़ है कि गाइस सीधा मुझे जन सेवा केंद्र पे ही जाना पड़ेगा, अब मैं क्या जाऊंगा इस बैंक पे, इतना भीड़ है। तो गाइस मेरे और अंकल जी में रेस हो रहा है, देखो मैं अंकल जी से आगे निकल गया, देखे मैं जीत गया ना, तो इस बात पे एक लाइक कर देना। गाइस जहाँ पे जाओ तहाँ पे भीड़ ही भीड़ देखने को मिल रही है, यहाँ जन सेवा केंद्र पे भी भीड़ है, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, देखते हैं मेरा काम होता है या नहीं होता है। चलो रोड को क्रॉस करते हैं पहले। जब जल्दी होता है मुझे तो मेरी साइकिल खड़ा नहीं होती है, और जब जल्दी नहीं है तो मेरी साइकिल तुरंत खड़ी हो गई, बताओ इतना भीड़ है गाइस कैसे होगा मेरा काम। ओ भाई साहब मुझे तो लग रहा है नंबर मेरा भी सबसे आखिरी में मेरा नंबर है यार, इतना भीड़ देख के तो मैं कुछ पागल हो रहा हूँ, कुछ नहीं हो पाया। मतलब अंकल जी कह रहे हैं अब कल आना, तो कल मतलब ये बुलाएं, कह रहे हैं कल ट्राई करना, वो भी सेम मेरी तरह ट्राई कर रहे थे। जय बजरंग बली। अरे यहाँ पे पाइप लग रहा है अबे, हाँ पाइप लग रहा है, और इधर का भी काम हो ही चुका है, बस इधर भी पाइप लगेगा और रोड भी बनेगा ना, हाँ दोनों काम होगा। तो फिलहाल गाइस मैं अपने घर से बहुत दूर नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं अपने गांव में जा रहा हूँ, और सामने का देखो गाइस रोड बन रहा है और कुछ दिन में इधर का भी काम चालू हो जाएगा। मैं आ चुका हूँ पोखरे पे, लेकिन मैं इधर से नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा खन रहा है, सूत्रों के हिसाब से मुझे पता चला था इसलिए मैं यहाँ पे आया था। और अब चलते हैं इस रास्ते से पूरा वहाँ पे, देखते हैं कितना बड़ा गड्ढा सच में खना गया है या फिर वैसे ही सब झूठ बोल गया सर। मैं आ चुका हूँ यहाँ पे और ये चेक करो यार, मतलब कितना बड़ा गड्ढा है यार, अगर इसमें कोई मेरे इतना कोई लड़का गिर जाएगा इस तो पक्का है निकल तो नहीं पाएगा अकेले। लेकिन हाँ गाइस कुछ मजा करने के लिए गाइस मैं अपने कुछ ऐसे अंटर पंटर लोगों को लेकर आऊंगा, इसमें गिरा दूंगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, आज मेरा बर्थडे है, नहीं है गाइस नहीं है, आज किसी और का बर्थडे है, तो मैं सोचा था गाइस कि उसे मैं मैसेज करके हैप्पी बर्थडे विश करूं, लेकिन मैं सोचा यार कुछ अलग करते हैं गाइस, कुछ अलग करते हैं, कुछ तगड़ा करते हैं, कुछ अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, तो सोचा हूँ कि चलो उसको थोड़ा सा मैसेज करके सरप्राइज़ नहीं देते हैं, उसे वीडियो में बता दें, क्योंकि वो मेरा वीडियो देखता है मतलब ब्लॉग देखता है। तो मैं बता दूं कि आज है उसका बर्थडे, 2 तारीख है ना, हाँ तो फटाफट बताते हैं, तो हैप्पी बर्थडे नहीं अपनी भाषा में बोलते हैं गाइस, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे छोटे भाई सृजन,
हाँ गाइस, मेरा सगा भाई है, सगा भाई समझ लो, क्योंकि वो मेरे चाचा का लड़का। को दिखाने जा रहा हूँ ये कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं यार इसको, रोड रोलर। तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ ये रोड रोलर कैसे स्टार्ट होता है। तो इससे पहले पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कुछ पता नहीं है, देखते हैं गाइस। अगर स्टार्ट होता है तो आपको दिखाएंगे कि कैसे ये स्टार्ट होता है। आज तक मैंने गाइस कभी लाइव नहीं देखा है, अगर आप भी नहीं देखोगे गाइस तो मेरे जरिए आप देख रहे हो। चलो देखते हैं स्टार्ट होता है कि नहीं। ये तो चाबी से स्टार्ट हो जाती है यार, मुझे लगा रस्सी उस्सी से स्टार्ट किया जाता है। मतलब आप शायद वो वाला मूवी देखे होंगे, खट्टा मीठा का नाम है ना, कुछ ऐसे ही नाम है जिसमें अक्षय कुमार रहता है और वो पता नहीं क्या नाम है, मुझे ज़्यादा कुछ नाम नहीं पता है। उसमें रस्सी से खींचा जाता है यार। और यार यहाँ पे चाबी से स्टार्ट हो गया है भाई। भाई सैल्यूट है, इसके लिए एक लाइक जरूर बनता है। और फिलहाल घर चलते हैं गाइस, क्योंकि इसके आगे मैं कुछ दिखा नहीं पाऊंगा। और मैं सोच रहा हूँ यहीं पे ब्लॉग को एंड कर देता हूँ। इसमें सोचना क्या है गाइस, यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि घर पे जाके मैं एंड नहीं कर पाऊंगा। तो आई होप कि गाइस आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, और कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है कॉमेंट करके बता देना। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।